देखो आप, लग रहा है ना, तो बात है ऊपर से नीचे को देखो आप। एक्सरसाइज टाइम गाइज, हम बना रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग। बिल्डिंग भी इतनी जबरदस्त बनाई जा रही है ना, पिलर बना रहे हम इससे, इस ये देखो पिलर। ओहो पापा यार, नजरे आपकी लग चुकी है। हाँ हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज ना मैं सुबह सुबह उठ गया धूप से भी पहले, और मौसम ऐसा साफ, बाहर नज़ारे क्या ही नज़ारे। चलो तो फिर मैं आपको डायरेक्ट बाहर ले चलता हूँ और बाहर के नज़ारे चेक करवाता हूँ। सुबह सुबह मैं आ चुका हूँ रोड में, और नज़ारे क्या नज़ारे चारों तरफ। ऊपर चलता हूँ छत पे मामू के, वहाँ से बढ़िया है माहौल चारों तरफ का। अभी सिर्फ खाबल वाली साइड में धूप लगी हुई है, और आप चारों तरफ देख सकते हैं क्या ही व्यू है। और जब तो यहाँ थोड़ी देर में यहाँ पे धूप लग जाएगी, उधर परे से आ रही है धूप लग के, तब तो यहाँ का भी गच्च हो जाएगा काम। यहाँ से चेक करो गाइज, यहाँ से चेक करो, थोड़ी देर में ऐसे धूप लगने वाली है ना यहाँ पे चारों तरफ। मुझे क्या टाइम लैप्स लगाना पड़ता होगा। और मौसम देखो आज, पिछले कल तक देखेंगे आप मौसम की क्या हालत रही, और आज एकदम से ही मौसम में इतना चेंज, सीधा मौसम साफ। हो बस सामने से देखना सनराइज, देखना आप सनराइज। ओ माय गॉड, वादियों में सनराइज हो गया है, और सुबह सुबह मज़ा आ गया। हाय ये देखो ब्राइटनेस कैसे बढ़ रही है, अब हर चीज़ की एकदम चमक गई ना। ये देखो लग रहा है ना स्विट्जरलैंड, वाह 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 वाह, मज़ा। सुबह सुबह अभी जाते हैं जंगल में, जाते हैं सबसे पहले तो जंगल में हूँ ग्राउंड में, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे मतलब कैसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं आपको, कि दिखा पा रहा हूँ सही से। ये देखो ना आप, और मेरे साथ आया है सिम्बा। चल सिम्बा आजा, अब मंदिर वाली साइड चलते हैं। यहाँ देखो मंदिर वाली साइड में आ गया हूँ, और अभी आंखों से भी आंसू निकल रहे, इतनी ठंड है यहाँ पे। और यहाँ पे ना धूप थोड़ी भी नहीं लगी है, मैं सोच रहा था कि धूप लगी होगी, धूप सिर्फ पेड़ों के टॉप टॉप में लगी है, बाकी कहीं पे भी धूप नहीं लगी। और चारों तरफ देखो आप, बर्फ आने के बाद ना सब लोगों के मन में खुशियाँ आ जाती है। देखना भी सारे लोग गांव में भी बाहर मिलेंगे, कोई बर्फ से खेलते हुए, कोई बर्फ साफ करते हुए, कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे सारे लोग। अब यहाँ भी धूप कब लगती होगी इसका भी कोई आइडिया नहीं है। वाह 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 वाह, आइस बन चुकी है जम के पानी की, ज़्यादा धूप होती तो। पर थोड़ा सा धूप का सिस्टम लेट है, अभी धूप आएगी तो थोड़ी सी चमक आ जाएगी यहाँ पे, तो बस वही इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे बर्फ़ एक एक फुट से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। अब दिखाता हूँ मैं आपको ऐसे करके, यहाँ देखो आप, लग रहा है ना अब तो बात है, ऊपर से नीचे को देखो आप, इधर से जंगल देखो, और यहाँ से देखो ये है व्यू, वाह। बड़ा हूँ घर को वापस अब, क्योंकि यहाँ पे ना ठंड कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, इतनी ठंड लग रही है ना नाक में, आंखों में, कान में, हाथों में, सारे में लग रही है, पैरों में। अब आएंगे हम दिन तक, उस टाइम पे कुछ बात अलग होगी, क्योंकि अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना यहाँ पे। अभी चल पड़ा हूँ मैं परे की तरफ, और धूप देखो वहाँ पे बाहर जंगल के बाहर कितनी धूप लगी हुई है। तो ऐसे लग रहा है ना जैसे लाइटें ही लाइटें हो गई हो चारों तरफ, और इतना उजाला आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ। धूप में जाएंगे ना आंखें भी नहीं खुल पा रही है, इतनी ऐसे रिफ्लेक्शन हो रही है आंखों में, अरे पर इस चारों तरफ से वाइट ही वाइट दिख रहा है,
इतनी दर्द कर रही है ना अभी, तो मैं छांव में आ गया अभी। अब सोच रहा हूँ मैं गाड़ी साफ करने का, क्योंकि गाड़ी पे ना बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। अभी धूप तो लग गई, मौसम भी से। अभी देखो आप, एक एग्जांपल यही है बर्फ साफ करने का, पूरा लेंटर साफ कर दिया है ना भाभी। मैं भाभी को बोल रहा हूँ कि और लग जाएगी बर्फ, टेंशन मत करो, पर भाभी ने फिर भी नहीं माननी है बात। ठंड देखो आप कैसी ठंड हुई होगी, जब इसमें भी इधर इधर से पूरे में आइस बनी हुई है, पानी टपकता है ना जैसे, बस वैसे ही शान बन गया इसका। चलो अभी गाड़ी स्टार्ट कर दी है, फिर ऐसे को लगाएंगे घुमा के, फिर ये आगे से जो चिपकी हुई है ना, यहाँ देखो ये व्यू है ना, निकल ही नहीं रही है ये बर्फ, बिल्कुल है टाइट चिपकी हुई नीचे, तो इस पर धूप पड़ेगी ना जब, तब जाके निकलेगी। सारे काम काज निपटा के अब हो चुके हैं बेले, अब कहाँ जाया जाए, इसके बाद वही सोचेंगे, अब डिसाइड करेंगे। बंदे तो मिल चुके हैं, अरे मेरे मित्र गण इधर है, बाकी उधर है। स्नोमैन बनाओ भैया। एक्सरसाइज टाइम। आगे हम लोग अपने फेवरेट स्टेशन पर, और यहाँ से गांव का व्यू बढ़िया मिलता है, पर मुझे ये नहीं पता कि कैमरे से अच्छा दिखेगा या कैसा दिखेगा, मतलब फोन के कैमरे से पता नहीं वो कैसा दिखेगा। ये चेक कीजिए गाइस, ये चेक करिए, ये हमारा गांव जो कि पूरी तरह से ढक चुका है, चारों तरफ बर्फ बर्फ बर्फ, जहाँ तक देखो वहाँ तक बर्फ। काके ने आज बर्फ में स्टिंग पार्टी करवानी थी, पर स्टिंग ना होने के कारण गांव में स्टिंग खत्म हो चुकी है, अब ड्यू ही पीना पड़ेगा। ऐसे में ड्यू का भी मजा, डर के आगे जीत है। थोड़ी देर में हम लोगों को कुछ जाना है एक इम्पोर्टेंट काम में, तो उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे लंच लंच करने के बाद, अभी तो फिलहाल वो काम निपटाते हैं। गाइज हम बना रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग, बिल्डिंग भी इतनी ज़बरदस्त बनाई जा रही है ना, पिलर बना रहे हम इससे, इसमें डालते हैं बर्फ, फिर उल्टा करेंगे इस पाइप को, फिर इससे ऐसे से पिलर निकलेंगे। गेट हमने बना दिया है और एक साइड की दीवार भी लग चुकी है, यहाँ देखो ये गेट है, ये पिलर है दो, और छत के लिए पिलर निकालने हैं बस, फाउंडेशन और एक पिलर और निकालना है बस। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे निकलता है पिलर। काके पिलर पकड़ियो, पकड़ दी इसको, यहाँ देखिए यहाँ निकल रहा है, पकड़ टूट जाएगा भाई। ये देखो पिलर, ओहो पापा यार नजरे आपकी लग चुकी है, हाँ गड़बड़ कर दिया मसाले में ऐसे। साथ थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं आपको, अभी पिलर बनाते हम अच्छे से। अरे खींच के रखो पार, हम लोग आ चुके हैं मंदिर के पास, और इधर जंगल में बढ़िया काम है, और आज हम लोगों को ना कहीं पे भी जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी तक हम लोग काम में थे, अभी 4 बजने वाले हैं, अब थोड़ी देर पहले हम फ्री हुए, फिर इधर को आए, अब मंदिर के पास है, थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। ये देखो जी अभी बर्फ झड़ चुकी है ना पेड़ों से, अब वाइट और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन देखो आप पूरे जंगल में। यहाँ देखो सारे लोग अपने स्टेशन में जाने के लिए, यहाँ पे धूप लेट तक रहती है ना इस ढंकार में, तब होते यहाँ पे पहुँचे, वो भी जान पे खेल के हमारे जवान यहाँ पे पहुँचते। पीछे से यहाँ राजा साहब पीछे रह गए थोड़े, बाकी खालिद मियां तो कुछ गलत ही कर रहे हैं। बर्फ क्या बोलती, इतने में सूखा तो है, इतनी जगह सूखी है, यहाँ पे बैठे रहेंगे अब देर तक। इस टाइम पे जब सनसेट होता है, ये देखो सामने क्या शानदार व्यू मिलता है, इधर के बनता है माहौल, उसकी तो क्या कहने। जिंदगी में चला है स्ट्रगल, बंदे आग जला रहे पर आग नहीं जल रही क्योंकि लकड़ियां हैं सारी गीली। अभी अभी लकड़ियां लेके आए ना, लकड़ियां लाई, लग रही है आग, लग रही है यहाँ देखो,
से आ गया, पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी। वो खत्म 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 कर खत्म कर दिया आग। ये इसका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, अगर अभी भी नहीं जलती है तो सजाएं मौत दी जाएगी फौजी साहब। जली भुजी क्या हुआ हा? बस 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 हटा दो अभी, दूसरी टेक्निक सोचो। अब आग जलाने में बंदे कामयाब हो चुके हैं। चोमू को एक नंबर। नो 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 नहीं भाई, ये वाक ले दे दो जगह यार। हाँ। तुम किन को रे उल्टे काम। घूम फिर के मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और अभी फिलहाल मुझे जाना है डिनर करने और फोन लगाना है चार्जिंग पे। और रूम पे इतनी ठंड, बाहर इतनी ठंड, क्या बताऊं मैं आपको। तो अभी फिलहाल इस ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे एंड। इस ब्लॉग में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।